गाइस यार, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यार यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है यार जियो फोन के रिगार्डिंग। एंड यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को जियो फोन का विरोध तो नहीं करने वाला हूँ, ना ही यार मैं दूसरे फ़ोन का कोई साथ देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल से आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ अपनी जो है मतलब अपनी राय शेयर करना चाहता हूँ, मतलब अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, बस इतना ही आप लोग समझ लो। एंड इस वीडियो को देखो यार एंड तक, एंड यार आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो यार यहाँ पर जैसे कि आप लोग यार थंबनेल देख कर ही समझ गए होंगे कि यार मैं आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो यार यहाँ पर अभी मैंने उसमें लिखा है कि यार यहाँ पर जियो फोन से सस्ता भी एक फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। एंड यार यहाँ पर वो जो फ़ोन है वो आप लोगों को यार काफ़ी कम दाम में मिल रहा है, जो कि यार कुछ प्राइस है उसका भी हम लोग देखेंगे चलकर। तो यार यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जियो की बात कर लेते हैं, पहले हम लोग इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में बात करेंगे यार। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यार आप लोग यदि इस चैनल पर नए हो तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना यार, कभी मत भूलना। एंड यार आप लोग यार कमेंट नहीं करते यार, ये मुझे बहुत बुरा लगता है यार। आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि यार क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे सुधार करना चाहिए यार, आप लोग बताओ, जरूर बताओ। हम लोग जियो फोन नेक्स्ट को देख लेते हैं यार, इसमें हम लोग का क्या फीचर्स मिल रहा है। तो यदि हम लोग जाए इसके स्पेसिफिकेशंस में, तो यार यहाँ पर हम लोग को काफ़ी कुछ मिल जाता है। यहाँ पर ये फ़ोन हम लोगों को मिल जाता है ईएमआई पर 1999 में। और यार यहाँ पर यदि बात की जाए इसके डिस्प्ले वगैरह की, तो यार डिस्प्ले भी काफ़ी छोटा है इसका। एंड यार जो मैं आपको फ़ोन दिखाने वाला हूँ उसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है इससे। तो यार अभी हम लोग चलेंगे उसको भी देखेंगे। 13 MP रियर कैमरा, 8 MP फ्रंट कैमरा। एंड यार 3500 mAh का बैटरी है। और यार यहाँ पर प्रोसेसर की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन Q1215 है। एंड मेमोरी की बात की जाए तो 2 GB रैम, 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज है। तो बस इतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी है इतना डिटेल। अब यार हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, जो कि है यार सैमसंग M01 कोर। तो यार अभी हम लोग उस पर जाते हैं, तो अभी हम सर्च मारते हैं सैमसंग M01 और यार कोर यहाँ पर हम लोगों का आ चुका है। एंड यार यहाँ पर अभी हम लोग बात किया जाए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर उससे पहले थोड़े दिन पहले मैं इसका रेट देख रहा था यार, 4000 कुछ रुपए था। तो यार अभी 5000 हो गया है, 6000 है कि कितना यार, यहाँ पर यार 5199 रुपये दिखा लगता है इसका रेट वेट बढ़ गया है। मतलब यार मैं कुछ ही देर पहले इसको देख रहा था, 4000 कुछ रुपए था ये। तो यार अभी हम लोग चलते हैं इसको देख लेते हैं। एंड यार तब भी ये जियो फोन से काफ़ी सस्ता है यार। तो अभी हम लोग इस पर जाके देखते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन जाके देखते हैं कि यार हम लोग क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। एंड यार उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यार इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड यार यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग प्राइस देख लेते हैं यार 5199। और जियो फोन का कितना प्राइस है, जियो फोन का प्राइस है यार 6499 यार, ये जो प्राइस है उससे काफ़ी कम है। एंड यार उसके बाद हम लोग बात किया जाए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यार यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है 3000 mAh का बैटरी, उसमें आप लोगों को 3500 का मिल रहा था, इसमें 3000 का मिल रहा है यार, दाम कम है तो कुछ क्वालिटी भी कम करना होगा ना यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार। यहाँ पर स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है इसका। और यार इसमें 8 MP रियर कैमरा, रेजोल्यूशन वाला फ्रंट 5 MP फ्रंट कैमरा है। तो यार कुछ क्वालिटीज़ भी इसमें कम मिल रहा है आपको। तो मैं यहाँ पर आप लोग क्वालिटी वगैरह दिखाने नहीं लाया हूँ, यहाँ पर मैं बात करने लाया हूँ इस चीज़ पर कि यार यदि जियो फ़ोन वालों को कैसा ही फ़ोन बनाना था जो कि यार सबके हाथ में हो, सबके हाथ में चले, तो यार वो जो है कि कुछ कम ही फीचर्स देते उसमें, लेकिन यार कुछ अच्छा बनाते हैं, मतलब यार कुछ रेट थोड़ा कम होता उनका, तो काफ़ी लोग उस फ़ोन को ख़रीद पाते यार, यहाँ पर मेरा कहना ये है। तो यार यहाँ पर अब यहाँ पर जो बंदे लोगों को पता चला है कि यार जियो फोन सस्ता भी एक फ़ोन अवेलेबल जो कि एंड्रॉयड सिस्टम पर चलता है। एंड यार काफ़ी कुछ है, अब देश प्रेम की बात अलग है, देश प्रेम पर आ जाए तो आदमी लोग या मतलब गाइस लोग जो हैं कि यार यहाँ पर जियो फ़ोन को ही ख़रीदेंगे। लेकिन यार यहाँ पर यदि कोई देश प्रेम भी देश प्रेमी नहीं है तो यार वो ऑब्वियस सी बात है कि यार यही फ़ोन ख़रीदेगा। वैसी बात नहीं है कि मैं यार देश प्रेमी और देश प्रेमी नहीं होने में डिफरेंट कर रहा हूँ, तो यार वैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। एंड यार यहाँ पर यदि आप लोग इस पर इसके स्पेसिफिकेशंस को और देखो सीमोर पर हम लोग जाकर देखते तो 1.5 GHz का प्रोसेसर है। बस यार इसमें जो प्रोसेसर है वो है यार मीडिया टेक का प्रोसेसर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है, लेकिन यार मैंने देखा है कि यार इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि यार थोड़ा सा कम क्वालिटी देता है उससे क्वालकॉम से। क्वालकॉम काफ़ी मस्त प्रोसेसर है यार, वो गेमिंग फ़ोन भी यूज़ होता है, मैंने देखा है यार काफ़ी बड़े बड़े फ़ोन में वो प्रोसेसर यूज़ होता है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग होता है उसका। तो यार यहाँ पर फुलियन फाइन में यहाँ पर आप लोगों को बात क्या बताने वाला था कि यार यहाँ पर यदि जियो फ़ोन वालों को ऐसा ही फ़ोन बनाना था जो कि अफोर्डेबल हो, 2G मुक्त भारत करना था उन लोगों को, तो यार यहाँ पर वो लोग थोड़ा कम ही फीचर्स कर देते, लेकिन यार
यहाँ पर वो लोग जो है कि इस फ़ोन का कीमत यार कम से कम इससे तो कम रखते, क्योंकि यार ये जो फ़ोन है ये काफ़ी पहले निकला था, M01 Core जो कि काफ़ी पहले निकला था। तो यार यहाँ पर यदि यार यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि यार यहाँ पर मार्केट में एक और फ़ोन अवेलेबल है जो कि यार जियो फोन नेक्स से काफ़ी सस्ता है एंड उसमें अच्छा खासा फीचर्स है कि यार आदमी लोग मतलब यार लोग जो है कि चला सके उस चीज़ को, मतलब यार फ़ोन अफोर्डेबल है चलाने के लिए अच्छा खासा है, तो यार यहाँ पर लोग जो है कि उसी फ़ोन को जाकर खरीदेंगे सैमसंग M01 Core को। तो यार यहाँ पर मेरा यही मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। एंड यार यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यार अपना ओपिनियन लिखना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।